हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सब जॉब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय यानी कि इन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफिक लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी कि स्थिति एंड विस्तार के बारे में हम राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के बारे में जितना हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे उतना अच्छा अपने को और किसी बुक से याद नहीं हो सकता, इसलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप के द्वारा राजस्थान के जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनका अध्ययन और राजस्थान की ज्योग्राफिक लोकेशन। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो अपना है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चीज़ को समझने के बाद में आपको जितनी अच्छी तरीके से याद होगा उतना अच्छी तरीके से याद और कहीं से भी नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान का मैप ले लेते हैं, बिल्कुल खाली मैप ले लेते हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो इस तरह का एक मैप है वो आपको फोटोकॉपी करवा कर ले आना होगा। कम से कम भी आपको 10-15 मैप है इस तरह के ले आने होंगे और डेली आपको एक मैप है वो फिल करना होगा ताकि आप जान सको कि राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कहाँ पर है। तो सबसे पहले इस मैप को अपन भरते हैं, तो स्टार्टिंग से यानी कि सबसे ऊपर से अपन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सभी का होम डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, तो किसी का कहीं से होता है किसी का कहीं से होता है, तो मैं जयपुर से ले लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मैप के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अपने को याद रख लेना होगा कि जयपुर कहाँ पर है। जयपुर कहाँ पर है? जयपुर यहाँ पर है। तो थोड़ा सा इस मैप को जूम आउट करके भरते हैं। यहाँ पर है जयपुर। जयपुर के आसपास में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आपको पता होगा। तो जयपुर के पास में सीकर है, तो ऊपर की साइड जो है वो है सीकर, और इसके बाद में जयपुर के एक पास में अलवर है तो यहाँ पे है अलवर। दौसा है तो यहाँ पर है दौसा, और यहाँ पर है टोंक। तो इस तरह से आपको डेली मैप भरना होगा। तो मैं आपको फास्टली ये भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है अजमेर, यह है नागौर, यह है झुंझुनू। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, झुंझुनू की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है। अलवर हो गया, दौसा हो गया, यहाँ पर भरतपुर, ये हो गया भरतपुर। भरतपुर के जस्ट पास में हो जाएगा धौलपुर, ये सवाई माध ये करौली सॉरी ये सवाई माधोपुर। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, टोंक से जस्ट नीचे है बूंदी, और जस्ट इसके नीचे है कोटा, एजुकेशन हब राजस्थान का, और ये है बारा, और ये है झालावाड़। अब ये छोटा सा जो एरिया दिख रहे हैं आप, ये इसका पार्ट है। ये क्या है? यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर है भीलवाड़ा, अजमेर के बीच में। यहाँ पर है राजसमंद, और ये उदयपुर, और यहाँ पे है प्रतापगढ़, और यहाँ पर है बांसवाड़ा, और यहाँ पर है डूंगरपुर। देखना कितनी अच्छी तरीके से आपको ये मैप है समझ में आएगा। एक बार प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप कह ही नहीं पाओगे कि मेरे को राजस्थान के कुछ मालूम ही नहीं है, कोई चीज मालूम ही नहीं है। तो बेसिक है आपका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप बिगनर हो, यदि आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो ये तो बिल्कुल भी क्लियर क्लियर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ये वाला है पाली है यहाँ पर, और ये है उदयपुर राजसमंद, ये सिरोही होगा यहाँ पे। सिरोही के जस्ट ऊपर होगा जालौर, और जालौर के जस्ट ऊपर यहाँ पे होगा बाड़मेर, और यहाँ पे होगा ये जोधपुर, ये है जैसलमेर, और ये है बीकानेर, यहाँ पे श्री गंगानगर सबसे ऊपर।
गंगानगर और ये होगा हनुमानगढ़। ये बच गया यहाँ पे चूरू, तारानगर अपनी कोचिंग, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो सारा मैप अपन ने भर लिया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, केवल अपने को 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट के अपन 5 मिनट के अंदर अपन ने सारा का सारा मैप है वो फिलअप कर लिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके आसपास क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए एक अपन इस तरह का एक मैप ले लेते हैं, सॉरी वही मैप, चलो वही मैप ले लेते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा मैप ले लेते हैं, ये वाला मैप नहीं, ये मैप ले लेते हैं, इसमें अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने से काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसपास में कौन सा देश है, राजस्थान के कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाली सीमा आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किधर से लगती है, राजस्थान की कौन सा देश है वो राजस्थान के पास में है। तो कौन सा देश राजस्थान के पास में है, तो पाकिस्तान है वो राजस्थान के क्या है, बिल्कुल पास में है, पाकिस्तान पास में है। अब पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट की लगती है वो वाली बात कर लेते हैं। तो यहीं पे देख लो, इसी मैप के अंदर देख लो, ये है बाड़मेर की सीमा, ये है श्री गंगानगर की सीमा, यहां से यहां तक, उसके बाद में तो इधर पंजाब आ जाता है, ठीक है। और ये वाली है जैसलमेर की, यहां से लेके यहां तक जैसलमेर की है, बाड़मेर की यहां तक है, और ये यहां तक बाड़मेर से फिर इधर गुजरात आ जाता है। तो आप नॉर्मली आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो जैसलमेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में सबसे ज्यादा लगती है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर है, सबसे बड़ा देख लो जैसलमेर है ना, राजस्थान के मैप के अंदर देख के बता सकते हो आप कि जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला है राजस्थान के अंदर, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान के साथ में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा लगता है, जैसलमेर लगता है। हो गया क्लियर। उसके बाद में आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं कि उत्तरतम जिला कौन सा है, पश्चिमतम जिला कौन सा है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यदि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हल करते हैं बाएं दाएं जाने वाले, तो उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होता है। और उत्तर दक्षिण हो गया, और ये हो गया पूर्व हो गया, और ये इधर हो गया पश्चिम। यदि आपसे पूछ लेता है उत्तरतम जिला कौन सा, तो उत्तरतम जिला ये वाला होगा श्रीगंगानगर, नोट हनुमानगढ़, ठीक है। यदि आपसे पूछ लेता है सेकेंड उत्तरतम जिला कौन सा है, तो सेकेंड उत्तरतम जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। उसके बाद में यदि आपसे पूछता है कि पूर्वतम जिला कौन सा है, तो धौलपुर हो जाएगा, और उधर पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, दक्षिणतम पूछता है, और यदि पूर्वोत्तम ये पश्चिमतम पूछता है तो जैसलमेर हो जाएगा। तो पंजाब से जिसकी सीमा लगती है वो एक तो आ जाता है श्रीगंगानगर, एक आ जाता है हनुमानगढ़। तो इसकी सीमा किससे लगती है, पंजाब से लगती है, हनुमानगढ़ और इसकी, यहाँ पे देख लेता हूँ। पंजाब से कौन कौन सी की लगती है, श्रीगंगानगर की लगती है और हनुमानगढ़ की लगती है, बिल्कुल लगती है। अब आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ कि हरियाणा से किस किस की सीमा लगती है। तो हरियाणा से अपन वैसे नहीं देख रहे, अपन थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हरियाणा से कौन कौन सी की लगती है, एक तो हनुमानगढ़ की लगती है, चूरू की लगती है, झुंझुनू की लगती है, उसके अलावा सीकर की लगती है, और उसके अलावा जयपुर की भी लगती है, इसके अंदर सीमा लगती है, और अलवर की भी सीमा है, हरियाणा से लगती है। और बता देता हूँ भरतपुर की सीमा भी किससे लगती है, हरियाणा से लगती है। क्वेश्चन यदि आ जाता है, भरतपुर आया नहीं था, ये भरतपुर, भरतपुर की सीमा भी हरियाणा से लगती है, ठीक है। इतने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम भी 7 दो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सीमा है वो एक जिले हरियाणा से लगती है। नॉर्मली ये देख सकते हो आप, इसके अंदर जयपुर के अंदर भी देख सकते हो, जयपुर का ये छोटा सा कोना है इधर, ये लगता है हरियाणा से। अब आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यूपी है, और यूपी की जो सीमा सबसे पहले भरतपुर में लगती है इधर मथुरा के साइड में, और ये धौलपुर इधर आगरा के साइड में। तो यूपी है ये, लग गई यूपी से। आपसे पूछ लेता है अब एमपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमपी, ये देखो एमपी,
यहाँ से सीमा स्टार्ट हो जाती है और धौलपुर है, धौलपुर लगता है एमपी के, करौली लगता है, सवाई माधोपुर लगता है, और इधर से कोटा लगता है, बारा लगता है और झालावाड़ भी लगता है। झालावाड़ के अलावा यहाँ से चित्तौड़गढ़ लगता है, प्रतापगढ़ लगता है, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा लगता है और चित्तौड़गढ़, ये भी चलो ठीक है। तो ये हो गई सीमा समाप्त। अब कितने जिले हो गए, कितने जिले एमपी से लगते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 जिले लगते हैं। सबसे ज्यादा किससे लगने लग गए, मध्य प्रदेश से। अब पहले क्या था, हरियाणा था, कितने थे, 7 थे, उसके बाद में 2 थे जो किससे लगते हैं, पंजाब से लगते हैं। अब आगे देख लेते हैं गुजरात वाली सीमा की बात कर लेते हैं। तो गुजरात वाली सीमा यहाँ बांसवाड़ा से स्टार्ट हो जाती है, तो बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर लगता है, उदयपुर लगता है, सिरोही लगता है, जालोर लगता है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किससे लगते हैं, गुजरात से लगते हैं। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वो मध्य प्रदेश से लग रहे हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान वाली भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान से कितने जिले लगते हैं, ये तो अपन ने देखा ही नहीं। पाकिस्तान से तो श्रीगंगानगर लगता है यहाँ से, उसके बाद में बीकानेर लगता है, जैसलमेर लगता है और बाड़मेर लगता है। तो 1, 2, 3, 4, 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है वो पाकिस्तान की जो सीमा है इससे लगते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से क्या गुजरती है, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश गुजरती है। उत्तरी अक्षांश ये साइड है, उत्तरी अक्षांश कितना है, 23.03, ये भी काफी बार आ जाता है, 23.03, और इधर उत्तरी अक्षांश कितना है, 30.12, और ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना हो गया, 78 हो गया, 78.17, और इधर पूर्वी देशांतर 69 डिग्री इसको बोलते हैं, वैसे तो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, 30 हो गया। ठीक है, हो गया, सारा क्लियर हो गया। ये एक बेसिक था, ज्योग्राफी थी राजस्थान की, ये सारी क्लियर हो गई। इस तरह से यदि अपने 5 दिन भी मैप्स को भर लिया तो अपना जो बेसिक है राजस्थान का वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो हाईवे हैं वो इस मैप से पढ़ेंगे तो इतना क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हाईवेज। तो अब छोटा सा एक और देख लेते हैं, ये राजस्थान का मैप है, इसके बाद में छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, तो 342,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो बच्चे बच्चे के भी याद होगा, फिर भी देख लेते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी राजस्थान की, तो 685, इस तरह से याद रखते हैं इसको, 48,437 ये जनसंख्या थी राजस्थान की, किसके अंदर, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे बात कर लेते हैं, वो अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता ही दिया, उत्तरी अक्षांश और वो पूर्वी देशांतर वाला जो भी अक्षांशीय विस्तार था वो मैंने बता दिया। इसके बाद में ये पता ही है आपको, कर्क रेखा वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर से गुजरती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है और 5 राज्यों के साथ में लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आप बिना देखे भी बोल सकते हो। सर्वाधिक लंबी किसके साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में, 8 जिले हैं वो लगते हैं। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा का कुल, एक स्थलीय सीमा ठीक है, उसका कुल कितना घेरा है, 5,920 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान के साथ में कितना लगता है, 1,000 पाकिस्तान के साथ में, ये यहां से यहां तक पाकिस्तान के साथ में कितना लगता है, 1,070 किलोमीटर, हो गया। अब ये देखो नॉर्मल बातें हैं, यदि आपको नहीं पता हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना या फिर आप लिख लेना। बाकी मेरे को होप है इस चीज की कि आपको ये वाली चीजें तो शायद पता ही होंगी, नहीं भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं। अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में लगने वाली, वो तो बातें होगी। अब श्रीगंगानगर के साथ में कितनी लगती है, बीकानेर के साथ में कितनी लगती है, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में, जैसे मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट बताए थे। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं कि छोटा सा बड़ा लिख लेते हैं, तो बीकानेर, बीकानेर से लिख लेते हैं, बीकानेर
हो गया, बीकानेर के साथ में लगती है 168 किलोमीटर, बीकानेर हो गया। उसके बाद में श्री गंगानगर के साथ में लगती है 210 किलोमीटर। देखना, काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफ़ी बार इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, बीकानेर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के साथ में लगती है 228 किलोमीटर, और जैसलमेर आ गया सबसे बड़ी 464 किलोमीटर। आपसे पूछ ले, राजस्थान के साथ में सेकंड हाईएस्ट सीमा लगने वाला कौन सा जिला है, तो वो कौन सा है सेकंड हाईएस्ट? बाड़मेर। सेकंड हाईएस्ट कितना है? 228। और सेकंड लो पूछ ले तो श्री गंगानगर 210। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, तो अपने को थोड़ा सा टेढ़ा होके पढ़ना पड़ता है, ना कि अपने को थोड़ा सिंपल पढ़ना पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस हैं, यदि आ भी जाते हैं नॉर्मली राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी और तो इतने इजी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो बाकी इस तरह का इंट्रोडक्शन अपन अभी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं या फिर कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जो बिगनर है, जो शुरुआत में आया है, उसको इजी करने के लिए जो ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कब कौन सा जिला बना था, कब कौन से जिले गठित हुए थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो राजस्थान में जिले थे वो कितने थे? 25 जिले थे। 25 जिले होने के बाद में 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बना था, अजमेर मेरवाड़ केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में, उसका विलय हो गया था, जिसको हम अजमेर के नाम से भी बोलते हैं। तो 26वां जिला बना अजमेर, कब बना? 1 नवंबर 1956 को। अब आगे बात कर लेते हैं 25 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना था। तो 25 अप्रैल 1982 को भरतपुर जो जिला था उनसे अलग होकर के धौलपुर को बनाया गया था। कौन सा? 27वां जिला बनाया गया था 25 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया था। 10 अप्रैल 1991 को, अब क्या आगे देखते जाओ, कोटा से अलग होकर के क्या 12 बनाया गया। कितने तारीख को? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके 12 को राज्य का कौन सा जिला बनाया गया? 27 की बात हो गई थी, 28वां बनाया गया। ध्यान से देखते जाओ, 28वां बनाया गया था। अब जयपुर से अलग करके यहाँ पे क्या बनाया गया? एक छोटा सा जिला है, कौन सा है? 29वां जिला, इसी तारीख को बनाया गया, 10 अप्रैल वाली तारीख की हम बात कर लेते हैं। दौसा को बनाया गया 10 अप्रैल 1991 को। अब दौसा कौन सा नंबर का बना? 29वें नंबर का बना। दौसा को याद रखने का एक सबसे अच्छा ये भी है कि दौसा के जो बाइक्स हैं, जो भी आरटीओ के जो नंबर है, वो RJ29 है। तो उस तरह से अपन दौसा को याद रख सकते हैं कि 29वां जिला कौन सा बना, दौसा बना, कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से अपन लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। जितनी भी जो अपने को डेट है वो अपन डेट ऑफ बर्थ से लिंक, डेट ऑफ ईयर से लिंक करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो 30वां जिले की बात कर लेते हैं, तो 30वां जिला कौन सा बना? 30वां जिला बना, यहाँ पे एक जिला आता है, कौन सा? राजसंबंध जिला। राजसंबंध किससे अलग करके बनाया गया? राजसंबंध यहाँ पे उदयपुर से अलग करके बनाया गया, ये उदयपुर वाला जिला है, इससे अलग करके राजसंबंध बनाया गया। वो कौन सा बना? राजसंबंध बना 30वां जिला। राजसंबंध कौन सा? इसी डेट को, 10 अप्रैल 1991 वाली डेट को कौन बना? राजसंबंध बना। तो इन तीनों की डेट को याद रखने का ये तो एक बेनिफिट हो गया कि तीनों एक ही डेट को बने हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग करके यहाँ पे क्या बनाया गया? ये हनुमानगढ़ जिला बनाया गया। हनुमानगढ़ कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया 31वां। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 31वां बना। 31वें के बाद में 32वां कौन सा बनाया गया? करौली बना। 32वां करौली बना, किससे? सवाईमाधोपुर से अलग होकर के। 32वां कौन सा बना? यहाँ पे आ जाती है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, डेट थोड़ी सी इसको इरेज कर देता हूँ। बत्तीसवां करौली बन गया, किससे अलग होकर के? स्वयं माधोपुर से अलग होकर के। डेट क्या थी? 19 जुलाई
19 जुलाई 1997। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रख सकते हो तो ये चीजें भी याद रख सकते हो, काम में आने वाली चीज आप कभी याद नहीं रखते। अब आगे बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी 2008 को सबसे नवीनतम जिले की बात कर लेते हैं ऑफिशियल। कौन कौन से जिलों से अलग होकर के कौन सा जिला बना? चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर के कौन सा बना? यहां पे बना प्रतापगढ़ को बनाया गया। 33वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया प्रतापगढ़ को बनाया गया 33वां जिला। इतना क्लियर हो गया। अब लेटेस्ट में 5-6 जिले और बन सकते हैं, उनकी भी चलो लगे हाथ अपन बात कर ही लेते हैं। हालांकि जिले तो बहुत सारे बनने की सिफारिश आई थी गहलोत सरकार के पास में, लेकिन जो संज्ञान में जो चल रहे हैं कि भाई इन्हीं को बनाएंगे उनके बारे में आपको बता देते हैं। संज्ञान में किस किस के बारे में चल रहा है? कोटपूतली के बारे में चल रहा है, बालोत्रा के बारे में चल रहा है, फालोदी के बारे में चल रहा है, डीडवाना, ब्यावर और भिवाड़ी। ये जो जिले हैं, ये जो शहर हैं, अभी तो ये तो शहर वो जिले बनने की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन सरकार है इसका जो फैसला है अभी फाइनल बजट में शायद कर सकती है। जहां तक मुझे लगता है ब्यावर तो बनना फिक्स है, उसके बाद में और भी बन जाएंगे। बाकी ये 5-6 जिले हैं, ये बन सकते हैं। तो आज का तो अपना बेसिक था, बेसिक यहीं पे क्लियर हो गया है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं लगा है तो भी कर लीजिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह के आने वाले हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जिलेवार पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों का अध्ययन करेंगे पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस लिए वो जिला प्रसिद्ध है। तो अपनी जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो रही है, कम से कम भी हो ही जाएंगे 30-40 वीडियो यदि अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो। तो ये तो अपना पहला वीडियो था, अच्छा लगा है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।